हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलिस क्लासिक कुजीन। बथुए की कई तरह की रेसिपी आपने ट्राई की होगी। आपने दाल खाए होंगे, सब्जी बनाकर खाई होगी या फिर इसके पराठे खाए होंगे, पर क्या कभी आपने इसका रायता ट्राई किया है? तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही डिलीशियस बथुए का रायता। बथुआ सिर्फ सर्दियों के मौसम में आता है और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बथुए का रायता। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम्स के करीब बथुए का साग और इसे मैंने अच्छे से दो बार वॉश कर लिया है और इसके डंठल को अब मैं हटा दूँगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इस तरह से आप इसे तोड़ लें, इसकी पत्तियों को निकाल लें इस तरह से। अब हमें इसे बॉइल्ड करना है, बेसिकली हमें इसे ब्लांच करना है। तो ब्लांच करने के लिए पहले पानी को बॉयल होने दें और उसमें बथुए के साग को डाल दें और एक से दो मिनट तक उबालने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडे पानी में ये डाल दें। ये मैंने फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं और इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। ब्लांच करने से फ़ायदा ये होता है कि पत्तियों का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, वो बिल्कुल हरे का हरा ही रहता है और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसमें बची रहती है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे पानी से छानकर एक बोल में निकाल लूँगी। तो देखिए ये कितना हरा है। तो जब भी कोई भी लीफी वेजिटेबल आपको बनाना हो तो आप उसे इसी तरह से ब्लांच करके बनाएं तो इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है, तो बहुत ज़्यादा इसे ना पीसें। तो हमें इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। मैंने बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बोल में। अब एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ 250 ग्राम्स दही। तो दही आप फ्रेश लें, बिल्कुल खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो रायते का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और विस्कर की हेल्प से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो सर्दियों में बथुआ बहुत फ्रेश मिलता है और ये इतने फ़ायदे की चीज़ होती है, तो आप इसे तरह तरह से बनाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके बथुए का पेस्ट हम इसमें मिलाते जाएंगे और इसे विस्क करते जाएंगे। हमने अच्छे से इसे फेंट लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और काला नमक। तो काला नमक बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। डाल रही हूँ भुना हुआ धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमें इसे चटपटा बनाना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये बहुत तीखा और चटपटा होता है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम लगाएंगे इसमें एक अच्छा सा तड़का। स्टोव को ऑन करें और तड़के का पैन गरम करें। मैं डाल रही हूँ घी, तो घी में तड़का लगाने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, गर्म होते ही मैं डालूँगी हींग, चुटकी भर हींग और जीरा। जीरा के चटकते ही मैं डालूँ इसमें हरी मिर्च और दो लाल मिर्च और अब हम इसे तवे में डालकर ढक देंगे और दो मिनट के बाद हमें चेक करना है। तो देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे चपाती, चावल या किसी भी रेसिपी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।
इस तरह की ढेरों मजेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।